हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय एक संबंध एवं फलन पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है उसके हम विविध उदाहरण देख रहे हैं। तो देखिए, उदाहरण 47 की यदि हम बात करें, कहा गया मान लीजिए यदि कोई समुच्चय ए, 1 2 3 इसमें अवयव है, कोई समुच्चय ए है जिसमें 3 अवयव है। अब हमें सिद्ध करना है कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 और 2 3 अवयव हैं, और जो संबंध होने चाहिए स्वतुल्य और संक्रामक होने चाहिए किंतु सममित नहीं होने चाहिए। तो यहां पे कितने संबंध ऐसे होंगे जो स्वतुल्य संक्रामक होंगे किंतु सममित नहीं होंगे, और उनमें हमें 1 2 और 2 3 अवयव रखना है। तो सबसे पहली चीज तो आप ध्यान देना, आपके पास एक समुच्चय है ए है जो कि 1 2 3 है। तो ध्यान देना, जब भी आपसे संबंधों की संख्या पूछी जाए पहले आप एक क्रॉस ही निकाल लें। तो 1 2 3 का हमें क्रॉस करना होगा 1 2 3 से, और क्या आएगा देखिए, 1 का 1 से करेंगे, फिर यहाँ पे 1 का फिर 2 से करेंगे, 1 का 3 से करेंगे, 2 का 1 से, 2 का 2 से, और फिर जो है 2 का 3 से, 3 का 1 से, 2 से 3 से करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से एक क्रॉस ए बना होगा। अब देखिए एक क्रॉस ए में जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव दिख रहे हैं, इन 9 अवयव से ही हमें संबंधों की संख्या बतानी है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे संबंध बन सकते हैं, तो ध्यान देना। यहाँ पे मान के चलते हैं हम, पहला संबंध बन रहा है R1, दूसरा बनेगा R2, तीसरा R3, ऐसे कितने बन सकते हैं हम निकालेंगे। तो ध्यान देना, हमें कहा गया है स्वतुल्य है, जो संबंध हम निकाल रहे हैं वो स्वतुल्य हैं, मतलब जो डबलिंग्स होंगी 1 1 2 2 3 3 वो तो पहले से सार के अंतर्गत होंगी, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत 1 1 रहेगा, 2 2 भी रहेगा, 3 3 भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि स्वतुल्य तो तभी होता है जब जो समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव की डबलिंग हो जाए उस सार के अंतर्गत। अब देखिए इसके बाद उनने कहा था 1 2 और 2 3 अवयव पहले से हैं, 1 2 अवयव और 2 3 अवयव ये तो पहले से हैं, तो ध्यान देना स्वतुल्य होना चाहिए, तीनों डबलिंग्स रख दी, और उनने कहा था 1 2 2 3 होने चाहिए तो वो भी हमने रख दी। तो अब देखिए आपके पास क्या क्या बचे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 अवयव तो आपने रख दिए हैं। अब आपके पास कौन कौन से अवयव बचे हुए हैं, तो ध्यान देना आपके पास 5 अवयव यदि रखे गए हैं, 1 1 रख दिया, 1 2 भी रख दिया हमने, 2 2 रख दिया, 3 3 रख दिया है, और 2 3 रख दिया है, बाकी बचे 1 2 3 4 अवयव बचे हुए हैं। तो इन 4 में से आप कौन सा अवयव जो है इसमें रखें, ध्यान देना 1 2 3 4 अवयव आपके पास बचे हुए हैं, 4 अवयव में से कौन सा अवयव आप इसमें रखेंगे कि स्वतुल्य तो है संक्रामक हो जाए लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। तो यहां पे यदि हम देखें सममित तो है ही नहीं, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 3 2 इसका उल्टा भी नहीं है। तो यहां पे देखिए संक्रामक को बस हम चेक करते हैं संक्रामक है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे ए बी और जे रहा बी सी, इनका रिजल्ट ए सी होना चाहिए, वो तो अभी इसके अंतर्गत है ही नहीं, तो इसलिए 1 2 और 2 3 का जो रिजल्ट बनता है 1 3 वो शामिल हम कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो संबंध R1 बना है यह संबंध आप देख सकते हैं स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, क्योंकि इनके बी समान है, और रिजल्ट बना 1 3, तो 1 3 भी है लेकिन सममित नहीं है। तो पहला संबंध तो हमारा यह बन चुका है। अब देखिए दूसरा संबंध हम बनाते हैं, तो दूसरा संबंध कैसे बनाएंगे, हमें पता है स्वतुल्य होना चाहिए, तो मतलब डबलिंग तो उसके अंतर्गत रहेंगी, 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, और 2 अवयव उनने पहले से बताए थे कि 1 2 और 2 3 तो होने ही चाहिए, तो 2 अवयव तो हमने रखे ही। अब देखिए ध्यान देना, अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे संक्रामक होना चाहिए, तो संक्रामक होने के लिए 1 3 तो आपको रखना होगा, तो आपके 6 अवयव आप रखे जा चुके हैं। अब आपके पास कौन कौन से अवयव बचे हुए हैं, ध्यान देना, एक तो बचा है यहाँ पे 2 1 2 1 बचा है, और यहाँ पे 1 बचा हुआ है आपके पास, 3 2 बचा हुआ है, और फिर जो है 1 अवयव और कौन सा बचा हुआ है, 3 1 बचा हुआ है, तो आपके पास 1 2 3 अवयव बचे हुए हैं। अब क्या आप जो है 3 में से कोई 1 अवयव रख सकते हैं क्या, जैसे हमने यहाँ पे 2 1 रखा,
और दो एक रखने पर यदि आप देखें तो क्या जो संबंध है स्वतुल्य है, बिल्कुल है। अब देखें संक्रामक है क्या, तो संक्रामक के लिए आपके पास बी समान होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बी समान है इनके, तो इनका रिजल्ट बना 1-3, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2-1 क्यों बढ़ाया, क्यों, तो इस प्रकार 2-1 बढ़ाने पर जो हमें संबंध प्राप्त हो रहा है स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 का उल्टा 3-2 नहीं है, 1-3 का उल्टा 3-1 भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 तो हमें संबंध मिल गया, तीसरा अब हम ढूंढते हैं तीसरा क्या होगा। तो देखिए हमें स्वतुल्य रखना है, मतलब 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए, और फिर यहाँ पे 2 अवयव क्वेश्चन में दिए गए थे, 1-2 और यहाँ पे 2-3, तो यहाँ पे यह भी रख दिए, तो स्वतुल्य तो है संक्रामक के लिए, इनका रिजल्ट 1-3 होना चाहिए, तो इनका रिजल्ट हमने 1-3 रखा। अब आप ध्यान देना यहाँ पे कि हमने अभी जो है 2-1 बढ़ाया था, 2-1 की जगह है यदि हम कोई और अवयव बढ़ा लेते हैं, जैसे 3-2 बढ़ा लेते हैं, 3-2 यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या यह संबंध स्वतुल्य संक्रामक होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। तो देखिए यह स्वतुल्य तो है, और यदि बी समान वाले अवयव की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बी समान है, 1-3 रिजल्ट बना, बिल्कुल है, यहाँ पे बी समान है, 1-2 रिजल्ट बना, बिल्कुल है, मतलब R3 जो संबंध है स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 1-3 का अपोजिट 3-1 इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे यदि हम देखें 3 तो ऐसे संबंध हमें मिल गए, चौथा देखते हैं हम R4 बनाते हैं, चौथा संबंध बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो देखिए स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य तो हमने बिल्कुल रखा है, 1-1, 2-2, 3-3। अभी यदि देखें क्वेश्चन में कहा गया था कि 1-2 होना चाहिए और 2-3 होना चाहिए, तो 1-2 और 2-3 भी हमने रखे। अब देखिए संक्रामक के लिए इनका रिजल्ट जो होना चाहिए 1-3 होना चाहिए, 1-3 भी हमने रखा। अब देखिए ध्यान देना, पहले हमने 2-1 रख के भी देखा, 3-2 रख के भी देखा, तो देखिए हमने 2-1 रख के भी बताया, 3-2 रख के भी बताया, अब हम 3-1 रख के और चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए 1-2-3 ही तो अवयव थे आपके पास, क्योंकि बाकी तो सब आपने ले लिए थे ना, 1-1 ले लिया था, और फिर 2-2, 3-3, और फिर 1-2, 2-3, मतलब यहाँ 3-3 6 अवयव ले लिए थे, 1-2-3 बचे थे, तो हमने 2-1 लेके भी बता दिया, 3-2 लेके भी बता दिया, आप 3-1 लेकर के देखते हैं तो होता है या नहीं होता है। तो 3-1 यदि आप लेते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखें, यहाँ पे देखें तो यह संबंध जो होगा, यहाँ यदि आप देखें तो ए बी और बी सी, तो इनका रिजल्ट जो है 2-1 बन रहा है, और 2-1 तो इसके अंतर्गत हमने रखा नहीं है, 2-1 तो इसके अंतर्गत रखा नहीं है, तो जो R4 बना होगा यह संक्रामक नहीं होगा। यदि आप यहाँ 2-1 रख भी देते हैं तो देखिए यहाँ पे 2-1 रखने पर क्या जो संबंध बना होगा यह जो है संक्रामक होगा या नहीं होगा, तो चेक करेंगे आप ध्यान से। लेकिन यदि आप इस 3-1 की बात करें, ध्यान देना, एक 3-1 अवयव की बात करें और एक अवयव हम 1-2 लें, तो ध्यान देना यदि हम बात करें ए बी हो गया, जे बी सी हो गया, तो इनका रिजल्ट क्या बनता है, 3-2। तो देख सकते हैं यदि आप R4 में 2-1 भी शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पे इन दो अवयवों के लिए संक्रामक तो होगा नहीं, क्योंकि इनका रिजल्ट बना 3-2 और 3-2 तो इसके अंतर्गत है ही नहीं। और यदि आप कहें 3-2 भी रख दिया जाए तो ध्यान देना फिर तो आपके पास 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 9 के 9 अवयव आ गए, फिर जो 1 रॉ से था पूरे 9 अवयव आ गए, और पूरे 9 आ गए इसका मतलब है फिर वो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे R4 जो था वो सममित होने लगेगा, वो सममित तो हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ पे केवल 3 ही ऐसे संबंध बन सकते हैं जो स्वतुल्य संक्रामक होंगे किंतु सममित नहीं होंगे, 4 नहीं बन सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा यह है जो तीनों संबंध बने हैं स्वतुल्य संक्रामक दोनों हैं किंतु सममित नहीं है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो समुच्चय 1-2-3 था इसमें जो है ऐसे संबंधों की संख्या 4 नहीं 3 होगी।
तो देखिए इस प्रकार से हमने लिखा कि जो समुच्चय ए था 1 2 3, इसमें ऐसे संबंधों की संख्या जो उन्होंने कहा था 4 होगी सिद्ध कीजिए, वो 4 नहीं होगी, केवल 3 हो सकती है, जिनमें 1 2 और 2 3 अवयव होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 और 2 3 अवयव होंगे, ऐसे संबंधों की संख्या 3 होगी जो सौतुल्य तथा संक्रामक तो होंगे किंतु सममित नहीं होंगे। तो देखिए अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय फिर दिया गया है 1 2 3, और इसमें 1 2 और 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले, मतलब ऐसे संबंध हमें बताने हैं जिनमें 1 2 और 2 1 होने ही चाहिए, और तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी, ऐसा हमें सिद्ध करके बताना है। तो एक चीज, जब भी आपसे संबंधों की संख्या पूछी जाए, किसी भी प्रकार के संबंध हो सकते हैं, यहाँ तुल्यता कहा है, तब भी आप क्या करें, पहले तो इसको ए मान के चलें और एक रो से आप जरूर निकाल लें, जैसा हमने पिछले सवाल में निकाला था, तो यहां भी आपको निकाल देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ए समुच्चय दिया है, मान के चलिए इसे एक रो से, तो आपसे निकालते बन जाएगा, आप इन 9 अवयवों की ही अब बात करेंगे, और ऐसे अवयव आप सिलेक्ट करेंगे कि वो तुल्यता संबंध हो जाए, मतलब सौतुल्य सममित संक्रामक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि R1 पहला संबंध हमने माना, तो देखिए यहाँ पे तुल्यता संबंध है, मतलब सौतुल्य होना चाहिए। सौतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है कि तीनों डबलिंग्स 1 1 2 2 3 3 R के अंतर्गत होनी चाहिए, तो तीनों तो हमने रख ली। अब इसके बाद उनने कहा था 2 अवयव और होने चाहिए, तो 1 2 और 2 1 R के अंतर्गत होने चाहिए, तो ये भी हमने रख लिए। अब चेक करेंगे क्या सौतुल्य है, बिल्कुल है, सममित है, तो बिल्कुल सममित है, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 है, बाकी इन डबलिंग वालों के उल्टे को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे संक्रामक है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो इनके बी समान है, इनका रिजल्ट मिला 1 1, बिल्कुल इसके अंतर्गत है, तो कोई भी अवयव यहाँ पे आप उठा के देख लें, जैसे हम कहें 1 और 1 समान है, तो इनका रिजल्ट 2 2 मिलेगा, वो भी इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो संबंध है तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो एक तो तुल्यता संबंध हमारा यह हो गया है। तो देखिए हमें एक तो तुल्यता संबंध प्राप्त हो गया है। अब देखिए दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होगा, तो देखिए यदि आप ध्यान दें, दूसरा हम निकालते हैं रफ में निकालते हैं थोड़ी सा, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो दूसरा R2 सौतुल्य होना चाहिए, बिल्कुल, आप 1 1 2 2 3 3 यह अवयव हमने रख दिए। अब देखिए 1 2 और 2 1 पहले से क्वेश्चन में कहा गया है, अब इतना तो आप बना नहीं सकते क्योंकि इतना तो आप बना चुके हैं। अब आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 अवयव हो गए, बाकी बच गए 4 अवयव, 4 कौन कौन से बच गए हैं ध्यान देना, यह बचे हुए हैं 1 3 3 1 2 3 3 2, 4 अवयव बचे हुए हैं, 4 में से किसी एक को शामिल यदि हम करते हैं, जैसे मान के चलिए 1 3 को शामिल कर दिया जाए, तो ध्यान देना यह जो संबंध बना होगा ये सममित तो होगा नहीं, क्योंकि 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, तो यहाँ पे उल्टा 3 1 भी शामिल करना होगा, 1 3 को जब शामिल किया है तो 3 1 को भी शामिल करना होगा। अब देखिए क्या जो संबंध बना है, सौतुल्य तो है, सममित भी है, संक्रामक है या नहीं, तो संक्रामक के लिए यदि आप चेक करेंगे तो यहां भी यदि आप 3 1 और 1 2 में यदि चेक करें संक्रामक, तो जे रहा ए बी, जे रहा बी सी, तो इनका रिजल्ट जो बना होगा वो 3 2 बना होगा, तो 3 2 भी आपको रखना पड़ेगा, और 3 2 रखा है तो उसका अपोजिट भी तो रखना पड़ेगा, तब तो ये सम्मित होगा। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 अवयव, जो 9 अवयव थे सभी 9 के 9 अवयव इस R2 के अंतर्गत आ गए हैं, मतलब जो सार्वत्रिक संबंध कहलाता, जो 1 रॉस 1 के सभी अवयव आ जाते हैं तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो एक तो आपका यह संबंध तुल्यता संबंध था, दूसरा जो हमने बनाया है सार्वत्रिक संबंध, यह भी एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो देखिए दूसरा जो संबंध बना है, यह दूसरा संबंध जो है सार्वत्रिक संबंध होगा, और जो R2 है यह R2 भी एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि यह सौतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो देखिए हमने लिखा यह संबंध R2 भी एक तुल्यता संबंध है, तो इस प्रकार केवल 2 ही यहाँ पे तुल्यता संबंध हो सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि जो समुच्चय 1 2 3 था उसमें
एक दो और दो एक को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या दो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो सवाल था वो हमारा सिद्ध हो जाता है। देखिए किताब में जैसे इसका हल दिया गया है वो समझाने की दृष्टि से दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि जैसा किताब में दिया गया है वैसा ही आप लिखें। तो यहाँ पे ज्यादातर ऐसे सवाल विकल्पीय सवाल होते हैं, आपको विकल्प के तौर पर पूछे जाते हैं, तो बस आपको समझ में आना चाहिए। और यदि आप जो है ऐसे भी लिखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आपका लिखा है। तो इस प्रकार से हमने दो महत्वपूर्ण उदाहरण किए। आगे के वीडियो में हम आगे के उदाहरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।